I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. विनोद भाई, सर्टिफिकेट देखकर तो लगता है लड़का काफी इंटेलिजेंट है। आप कल सुबह से भेज दीजिए, मैं उसे नौकरी। कल तो संडे। हाँ ठीक है, आप परसों मंडे भेज दीजिए। अच्छा, क्या बात है? क्या बात, बोलो कुछ नहीं, रोटी जाओगे, बोलो। जीवा, जीवा। आशा, देखो मुझसे तुम्हारा रोना नहीं लगा, तुम मेरी कसम बोलो, जल्दी बोलो ना। जब से उस घर में गई हूँ, 8,000 रो रही हूँ, हर सुबह हर शाम को जलील की गई, लेकिन सहती रही, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। कैलाश की इतनी हिम्मत, आज तक मैंने उसे प्यार ही प्यार दिखाया, लेकिन मैं अब उन्हें बताऊंगी कि औरत को नागिन क्यों कहते हैं। कैलाश को अपने नई ईजाद के फॉर्मूले पर बहुत घमंड है ना, मैं उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगी। हाँ, मगर वो फॉर्मूला तो मुझे बचाने के लिए बदमाशों को दिया जा चुका है। वो असली नहीं, नकली था। अच्छा, असली फॉर्मूला तो कैलाश की तिजोरी में है, उसकी एक चाबी मेरे पास भी है। मैं वो फॉर्मूला गायब कर दूंगी। आशा, दिल के कहते हुए डरता हूँ, सोचता हूँ तुम मुझे कहीं गलत न समझ बैठो। जीवन, कहीं हम एक दूसरे को गलत भी समझ सकते हैं। जो दिल कहता है कहो, कहो ना। आशा, दिल तो ये कहता है कि तुम्हारी शादी एक भूल थी, जिसकी सजा तुम भी भुगत रही हो और मैं भी, लेकिन ये सजा भुगतते रहना उससे ही बड़ी भूल है। आशा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरे पास चली जाओ। हाँ आशा, मैं कैलाश जैसा धनवान तो नहीं, लेकिन मेरे सीने में ऐसा प्यार भरा दिल है जो कैलाश को इस जन्म में नसीब नहीं हो सकता। जीवन, क्या सचमुच तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही मोहब्बत है? आशा, जहर खाकर मोहब्बत का सबूत दे चुका हूँ। जीवन, आशा तुम्हारा जीवन, ओ जीवन, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आशा, हर जन्म। तिजोरी से वो फॉर्मूला लेकर तुम उसके साथ क्या करोगे? कैलाश की फैक्ट्री में जो बुढ़ा साइंटिस्ट है ना, उनके दो छोटे छोटे बच्चों को वही बदमाश उठा ले गए हैं जो तुम्हें ले गए। अच्छा, लेकिन क्यों? उनके फॉर्मूले के लिए, कहते हैं फॉर्मूला ना मिला तो वो लोग बच्चे को जान से मार डालेंगे। उनकी ये मचाल, मैं उनका खून पी जाऊंगा। ना ना ना, मैं तुमको वहाँ जाने नहीं दूंगी। एक बार पहले अपनी खातिर मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल चुकी हूँ। अरे मगर उन बच्चों को तो बचाना होगा। आशा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो लोग उन बच्चों को उसी जगह पर ले गए होंगे जहाँ तुम्हें ले गए थे? यकीन, अब मैंने तो उस अड्डे का रास्ता भी देख लिया। अच्छा, तो क्या तुम उनको खबर भेज सकते हो कि वो लोग बच्चे लेके आ जाए, मैं फॉर्मूला उनके हवाले कर दूंगी। क्यों नहीं, मगर उन्हें बुलाएगा। कैलाश के घर के पीछे वाले जंगलों में रात के 12 बजे, जब कैलाश गहरी नींद में सो रहा होगा और सोता रह जाएगा, और जीवन अपनी आशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाए। ओ जीवन, कब ये रात आएगी, कब 12 बजेंगे, मैं तो बेचैन हो रही हूँ। आशा, मेरी आशा। अब नहीं, रात को। देखती क्या हो, वही है, वही जिसके लिए इतना बड़ा नाटक रचाया गया, जिसके लिए मेरे प्यार से, मेरी जिंदगी से खेला गया, जिसके लिए और भी ना जाने कितने धोखे मुझे दिए जाने वाले थे। आशा, तुमने कभी मेरे प्यार की गहराई को समझा ही नहीं। उस प्यार के सामने ये फार्मूला महज कागजों का ढेर है। कभी तुमने मजाक में भी मुझसे मांग लिया होता तो मैं इसे पूजा के फूलों की तरह तुम्हारे चरणों पर चढ़ा देता। ऐसे मंदिर में एक मूर्ति की तरह मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा, और आज तुमने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। आशा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं
कोई झूठी सफाई देकर अपने आप को मेरी नजरों में और मत गिराना। ले जाओ इसे, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए वो भी मांग लेना। लेकिन आज के बाद अगर तुम इस घर में रहना चाहोगी तो मुझे ये घर छोड़ देना पड़ेगा। आपने मुझे ठीक समझा कैलाश बाबू, बहुत ठीक समझा। इसके बाद भी आप मुझे ठोकरे मारकर घर से नहीं निकाल रहे, ये इस बात का सबूत है कि आप आदमी नहीं देवता है। आपकी मूर्ति मैं अपने मन मंदिर में बसा कर यहाँ से चली जाऊंगी। अपना सामान इकट्ठा करने के लिए अगर थोड़ा सा समय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन बदमाशों को फॉर्मूला देना पड़ेगा। उनसे कहो कि अगर फॉर्मूला चाहिए तो बच्चों को पहले यहाँ ले आए, फॉर्मूला मेरे बैग में है। अच्छा। ए, फॉर्मूला चाहिए तो पहले बच्चों को लेकर इधर आओ। फॉर्मूला प्लीज। जीवन, इसमें से फॉर्मूला निकाल के इनको दे दो। ले जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? आती हूँ। जैसे मैं उतरू तुम गाड़ी तेज भगा के सीधा चाची के पास ले चलना। ये बहुत अच्छा। देखिए जीवन साहब, अब कहाँ भगा कर ले जाएंगे मुझे? कैसी बातें कर रही तुम? हट जाओ, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। क्या कह रही हो तुम? कौन सा खेल? हर चीज खेली तो है तुम्हारे लिए, प्यार खेल, दोस्ती खेल, वफा खेल। तुमने मुझे खिलौना समझा, मेरे पिता को खिलौना समझा, मेरे पति को खिलौना समझा। अपने लालच के लिए तुमने हम सबको बर्बाद करके रख दिया। सर, ये तो खाली है। आशा, फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला चाहिए? ये लो, ये लो। आशा, जीवन को कोई इस तरह से धक्का नहीं दे सकता है। समझे इंस्पेक्टर, तुम बतूर वाली सड़क पर जाओ, कुन्नूर तक देखो, चप्पा चप्पा छान मारो और फिर मुझे खबर करो। ओके,
आपकी अमानत तकिए के नीचे है। कैलाश बाबू, भाई आपने ठीक नहीं किया। मामला हमारा आपस का था, आपने खामखा पुलिस को बीच में बुलाकर अपनी बीवी की जान को खतरे में डाल दिया है। और खैर, बात अभी बिगड़ी नहीं, आप चाहें तो प्यार मोहब्बत से निपटाई जा सकती है। जी बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन ये प्यार मोहब्बत किसके साथ करना होगा? जी मेरे साथ। सुनिए, अगर आप मेरे हर सवाल का जवाब जीवन से पूछ कर देंगे तो वक्त बहुत जाया होगा। उस कमीने बुजदिल से कहिए अगर मर्द का बच्चा है तो खुद मुझसे बात करे। आपकी समझ की दाद देनी पड़ेगी कैलाश बाबू। और आपकी दोस्ती की दाद देनी पड़ेगी जीवन बाबू। दाद तो हम आपसे उस वक्त लेंगे जब आपकी इजाद का फॉर्मूला हमारे हाथ में होगा। क्यों, अभी तक आया नहीं तुम्हारे हाथ में? देखो कैलाश, ये नाटक कंपनी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, फॉर्मूला तुम्हारी तिजोरी में है। और यूं समझो कि आशा हमारी तिजोरी में है, तो क्यों ना ये तिजोरियां बदलकर अपनी दोस्ती थोड़ी और निभाई जाए। हम उसकी जान तो नहीं लेंगे कैलाश, लेकिन देखते हैं, आशा वैसी की वैसी खूबसूरत है और हमारा दिल वैसा का वैसा जवान है। जो हसरत हम पहले पूरी नहीं कर सके, अगर तुमने हमें मजबूर किया तो जीवन छूना तो दूर, अगर तुमने अपनी गंदी निगाह उठाकर आशा की तरफ देखा भी तो कसम है मुझे अपने बाप दादाओं की, चाहे मुझे जिंदगी भर तुम्हें तलाश करना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढूंगा जरूर। और फिर जो तुम्हारा हाल करूंगा उसे देखकर तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। इतना प्यार है अभी तक तुम्हारे दिल में, तो फॉर्मूला हमारे हाथ जरूर आएगा। बोलो कब अपने आदमी भेजो। तुम खुद आओ और आशा तुम्हारे साथ होनी चाहिए। मेरे आदमी आएंगे, तुम उनको फॉर्मूला दोगे, फॉर्मूले की जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद आशा तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ख्याल रहे, बीच में कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक रात के 12 बजे तुम फॉर्मूला लेकर दरवाजे पे खड़े रहना, समझे? स्कीम कामयाब रही। आप कैसे लगी ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन कैलाश गुप्ता और तीन मुलाजिम जलकर मर गए। मिसेस आशा गुप्ता उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, हुकूमत ने दिल्ली से कुछ ऑफिसर्स रवाना किए हैं। जब तक वो इस राग के ढेर का पता नहीं लगा लेते, किसी भी शहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस का वहां सख्त पहरा रहेगा। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सरकार को कुछ जरूरी कागजात की तलाश है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो जरूरी कागजात। इससे पहले कि हमारे दिल्ली वाले मेहमान यहां पहुंचे, हमें वो फॉर्मूला किसी भी हालत में हासिल कर लेना है, आज ही रात को। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.